हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका रेणुकाज इंडियन किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बने हुए समोसे, समोसे वो भी पनीर के समोसे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। समोसा का डो बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप सूजी, नॉर्मल सूजी है, एक कप मैदा। इसमें हम डाल लेंगे एक चुटकी अजवाइन, साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर पाउडर या फिर आप उसे क्रश करके भी ले सकते हैं, और एक चुटकी बेकिंग सोडा। अब इसका एक मीडियम सॉफ्ट हमें डो बनाना है। गुनगुना पानी लेकर के हम इसका डो तैयार करेंगे। बहुत टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। ये देखिए, मैंने इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो प्रिपेयर किया है। सूजी फूलती है, इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। अभी इसके साथ ही मैं इसमें लगभग एक टेबलस्पून जितना ऑयल इसमें डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टेबलस्पून जितना, और इसे अच्छे से मथ के हम रखेंगे। 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। समोसा की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तब तक। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें लेंगे लगभग एक टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, आधा टीस्पून जीरा। जीरा चटकते ही साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये एक छोटा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज। एक प्याज लिया है हमने, इसे सौते करते हैं। इसमें लो फ्लेम पर कर रही हूँ ये सारा काम मैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये उबली हुई मटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अमचूर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, ये दो चुटकी जितना ब्लैक पेपर पाउडर है। मसाले अच्छे से सौते कर लिए हैं हमने, जस्ट फॉर 1 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। साथ ही अब इसमें मैं ये कसा हुआ पनीर ऐड कर रही हूँ। ये पनीर घर का बना हुआ है, आप पनीर को कस सकते हैं, बड़ा छोटा छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ इसमें और गैस की फ्लेम को भी बंद कर देते हैं। तो ये स्टफिंग हमारी लगभग तैयार है। डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। एक बार इसे और अच्छे से थोड़ा टाइट कर लेते हैं, ऑयल जो हमने इसको लगाया था वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम समोसे के लिए लोई बनाते हैं। जितना हम कढ़ाई की गोल पूरियां निकालते हैं उतनी ही साइज की हमें एक लोया लेना है। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। अब इसे बीच में से कट करेंगे और इसे हम इस तरीके से लंबा बेल लेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं, हमने तैयार कर लिया है। इसके एजेस पे पानी लगाएंगे और इसका एक कोन बना लेते हैं, अच्छे से इसे चिपका लेते हैं। कोन बना दिया है हमने। अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। अब हम इसका जो दूसरा एज है इसे भी चिपका लेंगे। समोसे का साइज आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, ये आपका समोसा तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे समोसे भी बना लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें समोसे फ्राई कर लेते हैं। इसे मीडियम लो हीट में हम फ्राई करेंगे। हीट हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, बिल्कुल मीडियम लो हीट में हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, कच्चे नहीं रहे, वरना बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह सकते हैं। हमारे बन के तैयार है नाइस गोल्डन एंड क्रिस्प, बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया समोसे बने हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं अब ऑयल से। पहले हम इन्हें इस जाली में अच्छे से निकाल के और थोड़ा सा इसका ऑयल जो है, एक्सेस ऑयल जो है उसे निकलने देते हैं और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे प्लेट में रखेंगे। बहुत ही हेल्दी
हेल्दी इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि पूरा हमने इसमें मैदा नहीं लिया है और पनीर भी है, तो एक अच्छा हेल्दी ट्विस्ट है। सिर्फ आलू नहीं है इसमें, पनीर है, मटर है, काफ़ी अच्छे क्रिस्प ये समोसे। आवाज़ से भी आपको पता चलेगा कि कितना कड़क और अच्छा समोसा बना है, सूजी के समोसे। आइए इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे सूजी और पनीर के गर्मा गर्म समोसे। ऐसी आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।